मैं हूं अभिषेक बारेड और आप देख रहे हैं धमचेक। आए दिन चुनावी रैलियों में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर चौकीदार को चोर कहने पर 22 पेज के हलफनामे में सिर्फ एक जगह कोष्ठक में लिखकर खेद जताने पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आज कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दायर इस बाबत दूसरा हलफनामा भी नामंजूर कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से माफ़ी मांगते हुए नया हलफनामा दायर करने की इजाज़त मांगी है। पूरा मामला क्या है वो समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 6 मई तक नया हलफनामा दायर करने की इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को रफाल डील पर अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियां भी खारिज कर दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। तब भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को कोर्ट की अवमानना बताते हुए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने पहले 22 अप्रैल को हलफनामा दायर किया था, फिर 30 अप्रैल को मंगलवार को हलफनामा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही हलफनामे नामंजूर कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है ये कहा था, जिसके बाद अवमानना नोटिस जारी किया गया था। इसी अवमानना केस में मंगलवार दोपहर 2:15 पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस जोसेफ की बेंच ने सुनवाई की। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से मुकुल रोहतगी और रुचि कोहली ने राहुल गांधी के बयान की कॉपी पेश की। वहीं राहुल की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेते हुए मीनाक्षी लेखी की वकील रुचि कोहली ने कहा कि रफाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मिस्टर गांधी ने टिप्पणी की थी। तब चीफ जस्टिस द्वारा पूछा गया कि कौन गांधी, रुचि कोहली ने जवाब दिया राहुल गांधी। तब चीफ जस्टिस ने कहा इस देश में हर गांधी राहुल गांधी नहीं हुए। कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी के दूसरे वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल ने सियासी फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट को मोहरा बनाया है, कोर्ट का नाम लेकर जानबूझकर चौकीदार चोर है का बयान दिया है। राहुल का दूसरा हलफनामा पहले वाले की कॉपी है, इनमें सिर्फ एक जगह खेद लिखा गया है और वो भी ब्रैकेट में। अफसोस सिर्फ लफाजी है। राहुल साफ शब्दों में कोर्ट से माफ़ी मांगे, ये हलफनामा रद्द किया जाना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा हलफनामा रद्द कर दें आप कह क्या रहे हैं, जिसके जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा कि मतलब ये कि बहाना ना माना जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि राहुल के हलफनामे में एक विरोधाभास है, एक जगह वो ये कहते हैं कि बयान दिया है और दूसरी जगह वो ऐसा कहने से मना करते हैं। उसके जवाब में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हलफनामे में कोई कमी है, अगर है तो उसे दूर करने की इजाज़त हमें दीजिए, ज़रूरत पड़ी तो मैं सोमवार को नया हलफनामा पेश कर दूंगा। 3 गलतियां मैंने स्वीकार की हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों को गलत ढंग से बताया, इसके लिए मैं माफ़ी मांग चुका हूं। तब चीफ जस्टिस ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपके क्लाइंट बयान भी देते हैं और उसे उचित ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं, हमने अपने फैसले में ये सब कब कहा था, जिसके जवाब में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चौकीदार चोर हैं, ये नारा कांग्रेस का पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी नारा है, ये उनका राजनीतिक स्टैंड है जिसे राहुल प्रचारित कर रहे हैं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके राजनीतिक स्टैंड में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसे आप अपने पास रखिए, और पूछा कि माफ़ी को लेकर आपका बयान कहाँ है। चीफ जस्टिस द्वारा पूछे जाने पर सिंघवी ने कहा कि खेद जताना माफ़ी मांगना ही तो है। चीफ जस्टिस ने आगे अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपको खेद जताने के लिए 22 पेज का हलफनामा देना पड़ा, खेद शब्द को ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है। इसके जवाब में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब में कहा कि मैं राहुल की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जोड़ते हुए जो बयान दिया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, नया हलफनामा दायर करने की अनुमति दीजिए। तो कांग्रेस और बीजेपी में ये घमासान आज हुआ और कोर्ट को बदनाम करने में कांग्रेस ने जो सियासी खेल खेला उसके लिए कांग्रेस पार्टी को उसकी फटकार भी पड़ी। ये हर पार्टी में इन दिनों हो रहा है, लेकिन जहां पर भी हो रहा है वो अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ करना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि उन्होंने वो किया जिस पर
देश भरोसा करता है, यानी कि न्याय। आगे देखना दिलचस्प होगा कि और इस मामले में क्या अपडेट्स आते हैं। हम आपको सारे अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स जो हैं वो आपको तय समय पर, सही समय पर मिल जाया करें। अगली खबर तक आपको धमचेक मचाते रहना है।